बाबू लोग क्या हाल है। हम लोग फ्रॉम सीजन 3 में ही क्या बिजी रह गए। यहाँ एक के बाद एक नए नए ट्रेलर्स आ गए हैं और बाबा हॉलीवुड से तो बहुत सॉलिड मटेरियल प्रॉमिस कर दिया गया है, क्योंकि मेरे पास हॉलीवुड कंटेंट लवर ऑडियंस ही है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई हॉलीवुड से कौन कौन सी तगड़ी मूवी आ रही है। तो बस अभी इन्हीं सारे ट्रेलर्स पर फटाफट बात करने वाले हैं, जिनमें हम 5 टॉप ट्रेलर को करने वाले हैं कवर, कि एंटरटेनिंग की दुनिया में इनका कितना सीरियस प्रॉमिस है हमारे वैल्यूएबल टाइम के बदले। लिस्ट में पहला नाम आता है सबसे पहले हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन मूवी का, जो सिक्वल एंड एग्जैक्ट सिमिलर होने वाली है वर्ल्ड फेमस हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एनिमेटेड मूवी की, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट एग्जिस्ट करते हैं। बाबा आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर दिस मूवी, क्योंकि ये लाइव एक्शन मूवी होने वाली है जिसके कैरेक्टर एज इट इज रियल देखने को मिल रहे हैं। यस, इट इज द लाइव एक्शन वर्जन ऑफ एनिमेटेड मूवी, जहां मैं एक्साइटेड हूँ हिकअप के कैरेक्टर के लिए, जो बिल्कुल सेम वाइब दे रहा है एनिमेटेड हिकअप से, जहां वो टूथलेस ड्रैगन से फर्स्ट मिलते नजर आ रहा है और ये आइकॉनिक मोमेंट इस टीजर में गूजबम्स मोमेंट रह रहा है। सो ड्रॉप योर एक्साइटमेंट इन कमेंट बॉक्स अगर आपने भी इस टीजर को देख लिया है तब। मूवी प्रॉमिस करी जा रही है 13 जून 2025 में। लिस्ट के दूसरे नंबर पर है वॉल्ट डिज्नी की मुफासा द लायन किंग, जिसका ऑसम ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और मूवी प्रॉमिस करी जा रही है 20 दिसंबर को। वैसे तो लायन किंग से रिलेटेड कंटेंट हर साल कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं मार्केट में और हमने बचपन से बहुत से लायन किंग मटेरियल कंज्यूम भी कर रखा है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अतरंगी और अलग होने वाली है, क्योंकि इस बार कहानी दिखाई जाएगी दो जिगरी दोस्तों की, मुफासा एंड टाका। कैसे ये दोस्ती दुश्मनी में बदल जाएगी, जहां मुफासा की हिंदी डबिंग शाहरुख खान के द्वारा करी जा रही है, लेकिन टाका है जो वाइट लाइन काफ़ी पावरफुल एंड एरोगेंट देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि ट्रेलर से आइडिया यही लगा है कि मुफासा जो अपने झुंड से बिछड़कर टाका वाइट लाइन की इलाके में आ जाएगा और इन दोनों की दोस्ती बचपन से ही जबरदस्त होने लग जाएगी। लेकिन बड़े होने पर मुफासा जो काइंड एंड गुड कैंडिडेट देखने को मिलेगा एज लायन किंग, तो वहीं टाका एज एरोगेंट एंड अपनी मन की चलाने वाला देखने को मिलेगा और यही एटीट्यूड दोनों की दुश्मनी का कारण भी बनेगा आगे जाकर। लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रैकनिंग, जहां एक बार फिर अपना बुढ़ा टॉम क्रूज ढेर सारे उछल कूद वाले एक्शन करते नजर आएगा और पूरे ट्रेलर में भागता हुआ भी दिख रहा है, तो पॉसिबल है कि मूवी में भी भागता ही दिखेगा। बाकी हमें हर बार की तरह बिना सर पैर की स्टोरी के साथ ढेर सारे एक्शन, फ्लिपिंग्स, सारे जिमनास्टिक मूव्स, एक मिनट में सबमरीन में मूवी चलेगी, दूसरे ही पल हमें सिंगल कार्गो प्लेन पर मूवी चलती दिखेगी, तीसरे ही पल कार चेजिंग सीक्वेंस देखने को मिलेगा, चौथे ही पल बिल्डिंग में चढ़ने वाले सीन सीक्वेंस भी देखने को मिल सकते हैं अपने हीरो के द्वारा, फिर पैरासूट से वही जंपिंग वगैरह और अंत में फिर भागते हुए वो नजर आते रहेगा और वही दुनिया को बचाने का जोखिम वगैरह वगैरह उड़ता तीर लेना, तो यही सब इसमें देखने को मिलने वाला है फिर से। लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। देखो ये है बिग बजट मूवी और ये सब बहुत बढ़िया करके डिलीवर करती हैं और जनता को इसमें एक्चुअल मजा भी आता है, लेकिन दिक्कत होती है लो बजट मूवी के लिए जो ऐसी बिग बजट मूवी को कॉपी करने की कोशिश करती हैं या फिर उनसे इंस्पायर होती हैं, लाइक मार्टिन द लैटिन मूवी। चलो बाबा देखते हैं, मई 2025 में प्रॉमिस करी जा रही है ये मूवी, आई एम एक्साइटेड। बाकी मूवी का नाम द फाइनल रैकनिंग दिखा रहा है, लेकिन अगले साल फिर टॉम क्रूज यंग दिखने का इंजेक्शन लगवाकर एक और मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट ले ही आएगा। ये खाली चूतिया बनाते रहते हैं फाइनल फाइनल वॉर के और कुछ नहीं। लिस्ट में चौथे नंबर पर आती है फ्रॉम सीरीज की ही तरह MGM प्लस से एक और मिस्टीरियस थ्रिलर हॉरर सर्वाइवल टीवी सीरीज, जिसका नाम होगा अर्थ अबाइड, जो बेस्ड है अमेरिकन राइटर जॉर्ज आर स्टेवर्ट की बेस्ट सेलर अर्थ अबाइड नोवल पर, जहां आपको कहानी लिटरली जानलेवा सर्वाइवल थ्रिलर मिलने वाली है। ट्रेलर काफी प्रॉमिसिंग और फ्रॉम सीरीज ने जब से मेरा भरोसा जीता है बाबा, मैं इस वेब शो के लिए भी एक्साइटेड हूँ, जिसका पहला एपिसोड दिसंबर 1, 2024 में देखने को मिल जाएगा नेटफ्लिक्स पर भी, प्राइम वीडियो पर भी एंड हॉटस्टार पर भी। मेन लीड पर अपना वाइकिंग बियॉन्ड आइन साइड उर्फ अलेक्जेंडर लडविक देखने को मिलने वाला है, ऐसे ही नाम होते हैं इनके, लडविक है ना। तो बाबा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि ट्रेलर से पता लग रहा है अपना हीरो को मिलाकर पूरे अमेरिका में बस कुछ लोग ही देखने को मिलने वाले हैं जो सरवाइव करते हैं, क्योंकि उससे पहले वो सब मर जाते हैं। कैसे, वही मिस्ट्री होने वाली है, जहां पहले तो वो लंबे समय तक अकेला ही रहेगा अपना हीरो, और जो सरवाइव करेगा काफ़ी लंबे समय तक, बाद में धीरे धीरे और भी लोग मिलते जाएंगे और ये लोग एक साथ सरवाइव करते जाएंगे। देखते हैं इतने लोग मरने की मिस्ट्री आखिर क्या होने वाली है इस टीवी सीरीज में।
लिस्ट के पांचवें नंबर पर आती है पुष्पा 2 द रूल, जो इस बार खुद को फायर नहीं वाइल्ड फायर कहते नजर आ रहा है। पर देखा जाए तो ट्रेलर में इतनी खिचड़ी एक साथ पकती नजर आ रही है, जिसे मेकर का ओवर कॉन्फिडेंस होना भी दिख रहा है। मतलब पुष्पा 2 के लिए दिल से वेट है, लेकिन ट्रेलर सेटिस्फैक्शन नहीं लगा उतना। ट्रेलर दमदार है, बट पुष्पा का जो क्रेज है और इसके लिए इतने लंबे समय से हम रुके पड़े थे, वेट कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। बस शिकायत इतनी है कि ट्रेलर को एकदम कूल एंड कामनेस के हिसाब से दिखाना जा, लाइक पुष्पा अंदाज में, ना कि खिचड़ी अंदाज में, है ना, जस्ट लाइक पुष्पा द फायर जो झुकेगा नहीं साला। बट यहाँ ट्रेलर में थोड़ी खिचड़ी देखने को मिली है हमें, तो डेट नोट कर लो, मूवी हमें थिएटर में मिल जाएगी 5 दिसंबर को 2024 में। बाकी बाबा शिकायत और कुछ नहीं है, मूवी को उतनी ही लगन से देखी जाएगी, देखूंगा जितनी पुष्पा के फर्स्ट पार्ट को देखा था। तो इन 5 कंटेंट के लिए बाबा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वेट है, और ये 5 अपकमिंग कंटेंट भाई मार्वलस होने वाले हैं, जो इनके ट्रेलर भाई प्रॉमिस करते हुए नजर आए हैं। खैर आप लोगों ने भी इन सारे ट्रेलर को देख लिया है, तो आपको किसके लिए कितना वेट है और कौन ज़्यादा आपका ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ, यहाँ तक पहुँच गए तो उसका मतलब वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।